हेलो, फिर से मिल रहे हैं हम लोग अपने उसी लेसन के साथ। स्वर्ण का कह सारे चीज़ों के पहले एज यूजुअल संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। तो हमने देखा था सोने की जो पंख, सोने के पंख वाला जो कौवा है उसका घर भी सोने का था। जब लड़की उसके घर के पास जाती है, उस पेड़ के नीचे जाती है, तो वह उस लड़की को सोने की ही खिड़की से देखकर कहता है कि अरे यार तुम आ गई हो, तो बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन सी सीढ़ी भेजूँ, सोने की, चांदी की या ताम्र की। और वह लड़की बहुत विनम्रतापूर्वक उसे कहती है कि तुम मेरे लिए, मैं बहुत निर्धन माँ की, गरीब माँ की मैं बेटी हूँ, तो मुझे तुम कॉपर की ही, तांबे की ही सीढ़ी भेजो। लेकिन वह कौवा उसको सोने की सीढ़ी भेजता है और वह सोने की सीढ़ी से ही उसके घर में प्रवेश करती है। अब जैसे ही घर में जाती है वह लड़की, उस कौवे के घर में, उसके प्रासाद में, उसके भवन में जब उसकी एंट्री होती है, तो बहुत चित्र विचित्र वस्तु जो है, वस्तुओं से उसका पूरा, वस्तुओं से पूरा घर उसका भरा हुआ है। तो हमने कहा चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। वह बालिका जैसे ही उसके घर में जाती है, वह सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है, तो चिरकालम बहुत समय तक भवने सप्तम विभक्ति, उस भवन में, उस प्रासाद में चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र विशेषत्वेन चित्रित, अलग अलग चीजें जो है वह सज्जितानि, वह सजाई हुई देखकर, दृष्ट्वा, यह दृश्य पश्च धातु जो हमने देखा था, वह दृश्य धातु को त्वा प्रत्यय लगता है और ये होता है दृष्ट्वा, देखकर। सा विस्मयम गता, आश्चर्यचकिता गता, आश्चर्यचकित होना यानी विस्मय। तो वह लड़की जो है वह आश्चर्यचकित हुई। गता गम धातु है, इस गम धातु को त प्रत्यय लगा है, यह हुआ गत, और इसका स्त्रीलिंग होता है गता। तो बहुत समय तक उस भवन में चित्र विचित्र ऐसी वस्तुओं को देखकर, कैसी थी, सज्जितानी, सजाई हुई देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काक प्राह, प्राह प्र अधिक अह सॉरी प्र अधिक आह, आह यानी कहना, कथय कथयति होता है आह। तो यह ब्रू धातु है, ब्रू ब्रू धातु दूसरा गण है उभयपद, और यह परस्म पद का यह लट लकार ब्रवीति, और उसको अल्टरनेटिव फॉर्म है आह। तो श्रांताम ताम विलोक्य, अब वह लड़की जो है सुबह सुबह थकी हुई वहाँ गई, उसको रात को नींद ही नहीं आई थी, बहुत क्यूरियस थी वह, कब मैं जाऊँ और कब मेरे वो चावल का जो मूल्य है वह मुझे कौवा देता है, इसके कारण वह थकी भागी उसके यहाँ दौड़ी दौड़ी गई होगी, इसलिए वहाँ कहा उस लड़की, उसको थका हुआ देखकर, श्रांताम थकी हुई उस लड़की को, ताम तद सर्वनाम द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, थकी हुई उसको देखकर काक प्राह, उस कौवे ने कहा, प्र उपसर्ग है और ब्रू धातु है जिसका आह रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन का लट लकार में, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, जिसे हमने प्रातराशः कहते हैं। तो कौवा उसको कहता है कि तुम आई हो, थकी हो, तो पूर्वम, पूर्वम का मतलब पहले, प्रातराशम क्रियताम, लघु प्रातराशः क्रियताम, तो थोड़ी तुम निहारी जिसे कहते हैं हम लोग, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो, क्रियताम लोट लकार है, लेकिन यह पैसिव जिसे कर्मणि का लोट लकार है ये, इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले
छोटा एक आहार कर लो, निहारी कर लो, ब्रेकफास्ट करो वद, और सब होने के बाद वो बोलता है कि तुम थकी हुई हो, थोड़ा आहार ले लो, कुछ खाओ, सुबह का ब्रेकफास्ट करो और बताओ। वद वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किंवा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। उसके बाद और जैसे उसको पहले पूछा था कि बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी, उसी प्रकार उसको कहा कि बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। ल्युट लकार क्रुधातु मध्यम पुरुष एक वचन, वो या फिर चांदी की थाली में या ताम्र यानी कॉपर की तांबे की थाली में तुम खाना खाओगी। बालिका व्याजहार, अभी व्याजहार शब्द आप लोगों को बहुत जगह भाषणों में देखने को मिलता है, जहाँ कभी किसी के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है वहाँ व्याजहार शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। अतिशय विनम्रतापूर्वक बोलना जिसे व्याजहार कहा जाता है। तो बालिका व्याजहार, उस लड़की ने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा ताम्रस्थाल्याम एव अहम्। यह संयोग भी है और संधि भी है, ताम्र स्थाल्याम, यह जो है संयोग है और एव अहम यह संधि है। ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, वह कहती है कि मैं ताम्र स्थाल्याम कॉपर की थाली में ही, मैं गरीब निर्धना निर्गत धनम यस्मात् सा निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, धन रहित, ऐसी गरीब मैं दीन हूँ, ऐसी गरीब मैं चांदी की या सोने की थाली में न खाते हुए मैं ताम्र की थाली में ही खाना खाऊंगी। यहाँ तक उन्होंने बताया, आगे की पंक्ति मैंने लिखी नहीं, फिर भी बताता हूँ, एक ही पंक्ति है आगे। तो यह हम लोगों को उत यह अव्यय मिलता है जो शब्द पूर्ति के लिए दिया है, वाक्य को और आकर्षक बनाने के लिए उत इस अव्यय का प्रयोग किया गया है। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यम एव निर्धना हम भोजनम करिष्यामि, यह बालिका ने कहा, अतिशय विनम्रतापूर्वक बोलना जिसके लिए व्याजहार इस्तेमाल किया गया है, उसने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं ताम्र की थाली में ही भोजन करूंगी। लेकिन वह आश्चर्यचकित हुई। क्या था आश्चर्य का कारण? जिस प्रकार उसने ताम्र की सीढ़ी मांगने पर भी उस कव्य ने उसको सोने की सीढ़ी दी, उसी प्रकार वह आश्चर्यचकित हुई कि उसने ताम्र की थाली मांगने के बावजूद उस कव्य ने उसको सोने की थाली में ही भोजन परिवेशितम, ऐसा एक शब्द आपको किताब में देखने को मिलता है, परिवेशितम का मतलब उसको परोसा, उसको जो खाना खिलाया उस सोने की थाली में उसने उसको खाना दिया। अब आगे एक पंक्ति है जो हम अभी देखेंगे। तो हमने देखा था कि उसने पूछा उसको कि ताम्र की थाली चाहिए कॉपर की चाहिए, ताम्र की का मतलब कॉपर की, चांदी की या फिर सोने की। तो जैसे हम लोग यहाँ उसने पूछा कि स्वर्णमयम ताम्रमयम, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, वा जिसे पहले सोने की बाद में चांदी की और बाद में उन्होंने पूछा कि ताम्र की, जिसे इंग्लिश में आप लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स, द थिंग्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, उसी प्रकार यह एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स में से एक फिगर ऑफ स्पीच आती है। तो उसने पहले सोने की थाली चाहिए, चांदी की चाहिए या फिर तांबे की चाहिए, ऐसा पूछा, और वह लड़की आश्चर्यचकित हुई क्योंकि उसको, जबकि उसने ताम्र की मांगी फिर भी उसको सोने की थाली में खाना मिला। अब नएतादृक, यही संधि इसलिए बताता हूँ कि इस न को हमको जगह बदलनी है, एतादृक, एतादृक का मतलब होता है इस प्रकार, स्वादु टेस्टी, नएतादृक स्वादु भोजनम अध्यावधि, भोजनम प्लस अध्यावधि संयोग, अध्यावधि आज तक उस गरीब लड़की ने आज तक ऐसा रुचकर ऐसा स्वादिष्ट ऐसा स्वादु ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया था, इसलिए हमने कहा कि नएतादृक स्वाद भोजनम अध्यावधि बालिका खादितवती, अध्यावधि बालिका एतादृक स्वाद भोजनम न खादितवती। मैंने इस न को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्यों न
यह शुरुआत में लिया, लेकिन इसका अर्थ यह अभिप्रेत है न खादितवती। अब ये खादितवती क्या है? खाद धातु को जिस प्रकार त प्रत्यय लगने पर खादित बनता है, उसी प्रकार तवतु यह प्रत्यय लगने पर यह बनता है खादितवत्। और इसका स्त्रीलिंग रूप है खादितवती। जैसे आपको दिखाया बताया था हमने, बालक गतवान बालिका गतवती। एक लड़का जाता है तो बालक गतवान, और लड़की जाती है तो गतवती। बालक खादितवान बालिका खादितवती, बालक दृष्टवान बालिका दृष्टवती। इस प्रकार यह स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजन आज तक इस लड़की ने नहीं खाया था। काको ब्रुते, काकह ब्रुते, काकह अधिक ब्रुते। आपको अभी मैंने बताया कि ब्रू धातु जो है वह दूसरे गण का उभयपद धातु है। वह ब्रवीति चलता है, परस्मै पद में आह चलता है, और आत्मने पद में लट लकार ब्रुते। काकह ब्रुते, कव्वे ने कहा, कव्वा कहता है बालिके अहम इच्छामि यत्वं सर्वदा च त्रैवतिष्ठ। वह मनोहर विनम्र ऐसी जो अच्छी लड़की थी, वह लड़की उस कव्वे के मन को भी भा गई। उस कव्वे को भी उसका स्वभाव अच्छा लगा, और वह कव्वा उसको कहता है कि हे बालिके, संबोधन प्रथमा संबोधन एक वचन, तो बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, संयोग है यहाँ पर, अहम अधिक इच्छामि, इच्छामि में ईश धातु है, चलता है इच्छ, यह छठे गण का धातु है परस्मै पदी। टू डिजायर, टू विश, इच्छा करना, उत्तम पुरुष एक वचन। तो कौवा अपनी इच्छा प्रकट करता है कि ये बालिक है, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं कि क्या चाहता हूं मैं, कि त्वम सर्वदा च त्रैवतिष्ठ, यत्वम संयोग है यहां पर भी, यत कि तुम सर्वदा सदैव, चात्रैव, चात्रैव संधि है, च अधिक अत्र अधिक एव, और मैं चाहता हूं कि तुम यही तिष्ठ, रुखो, स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, परम तव माता वर्तते चे कायकिनी। लेकिन कव्वा ही उसको बताता है कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम यहां सदैव एक सदा के लिए यही रुको, लेकिन तुम्हारी जो माँ है एकाकिनी वर्तते, च एकाकिनी, च अधिक एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माँ जो है फिर अकेली रहती है। तुम शीघ्र एव स्वगृहम गच्छ, मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी जैसी अच्छी विनम्र मनोहर लड़की जो है वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन तुम यहाँ रही तो फिर तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी। तुम शीघ्र एव स्वगृहम गच्छ, तो तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। शीघ्रम एव संयोग, शीघ्रम अधिक एव, यह शीघ्रम अव्यय है जो जल्दी के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गज हाथी, मंदह मंदह चलती, अथवा मंदम मंदम चलती, उसी प्रकार शशकः शीघ्रम शीघ्रम धावती, तो त्वरा शीघ्रम जल्दी। तो वह लड़का वो कौवा उस बालिका को कहता है कि शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। गमगच्छ पहला गण परस्मै पद लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इस प्रकार वह कव्वे के घर जाती है, सोने के सीढ़िए से ऊपर चढ़ती है, सोने की थाली में ही खाना खाती है, और बाद में कौवा उसको कहता है कि तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। और इसके बाद जो मैंने कथा बताई थी आपको कि तीन बेटियों का जो हिस्सा रह गया है, वह हम लोग अभी अगले पीरियड में देखेंगे।